हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नीरज और आप है मेरे यूट्यूब चैनल अवनी टेक इंडिया पर। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल सभी बायकॉट कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप्स का, चाइनीज़ प्रोडक्ट का, तो दोस्तों मैंने भी किया है। लेकिन क्या करें, मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, तो सारे प्रोडक्ट चाइनीज़ हो गए। अब क्या करें, अब इनको फेंक तो नहीं सकते। पर दोस्तों, जैसे कि तकरीबन सभी MI अकाउंट का हो गया, जैसे रियलमी हो गया उसका अकाउंट हो गया, वीवो का अकाउंट हो गया, उसको जो है साइन आउट कर रहे हैं। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप साइन आउट जरूर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों साइन आउट करने से इस चीज़ का सलूशन नहीं होगा, क्योंकि साइन आउट करना आप जो है अपने आप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, क्यों ना इसको परमानेंटली छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनेगी, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। लो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। मेरे हाथ में अभी रेडमी का एक फ़ोन और मैंने एंटर कर लिया है इसकी सेटिंग के अंदर। और दोस्तों, नीचे की तरफ स्लाइड करने के बाद आपको यहां पर एक MI अकाउंट देखने को मिलता है, ये रहा, इसको कर लेना है एंटर। और जैसे ही यहां पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत से बंदों ने इसके ऊपर जो है अकाउंट बना रखा होगा, तो आपको सिंपली सबसे पहला स्टेप जो है इसको करना है साइन आउट। तो दोस्तों, हम इसको साइन आउट कर लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आपका डेटा, जो आपका डेटा इसके ऊपर अपलोड हो रखा है, उसके बारे में पूछेगा कि आपको ये रखना है या रिमूव करना है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको रखना है तो आपको रख सकते हो, नहीं तो दोस्तों इसको जो है आप रिमूव कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको दोस्तों इसको स्किप कर देता हूँ। तो स्किप करने के बाद दोस्तों, आपको एंटर यहाँ पर आपका पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो दोस्तों यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका पासवर्ड नहीं मिलता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके इसको जो है आप अपना पासवर्ड दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। लो जी, हमारा पहला जो बेसिक स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको होम पर आना है। होम पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में दोस्तों टाइप करना है, जो कि मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को दोस्तों उसी डिवाइस के अंदर यूज़ करना है जिसका आपको जो है MI अकाउंट परमानेंट डिलीट करना है। तो दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसको सर्च कर लेना है और आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों, उसी डिवाइस का वो नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर्ड कर रखा है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने अपना नंबर इसमें डाला। तो दोस्तों, नंबर डालने के बाद गेट वेरिफिकेशन कोड आपको जो है इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज के थ्रू मिलेगा। तो दोस्तों, आपका मैसेज आ चुका है और मैसेज आने के बाद इसमें दोस्तों उसको डालना है और क्लिक कर देना। अगर आपको इस तरीके का पॉपअप देखने को मिलता है पासवर्ड के लिए, तो दोस्तों इसको नेवर कर देना है। दोस्तों आपका आगे का काम यहाँ से शुरू होगा। तो दोस्तों, आपको इस पेज पर आने के बाद येस आई वॉन्ट टू परमानेंट डिलीट माई MI अकाउंट इट्स एंड इट्स डाटा, तो दोस्तों आपको इसको कर देना है टिक। और टिक करने के बाद आपको जो है दोस्तों संतरी कलर का नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा डिलीट माई MI अकाउंट, इसको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों, मैंने इसको फटाक से क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों चूज़ वेरिफिकेशन मेथड, क्योंकि ये पूछना चाहता है ये आप ही हो या कोई और है। दोस्तों आपको मोबाइल के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सेंड करना है एक OTP के लिए रिक्वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और आपको एक नोटिफिकेशन में OTP मिलेगा। तो दोस्तों, इस OTP को डालना है और ये लास्ट OTP होता है, इसको सेंड कर देना है। दोस्तों सेंड करने के बाद आपको यहां पर डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है और दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका MI अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है परमानेंट। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है MI अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।